अगर आप बिहार में एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम क्या पढ़ते हैं ये माने नहीं रखता, लेकिन हम क्या और कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं ये सबसे ज़्यादा माने रखता है। बिहार शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन 100% फिक्स होगा। जी हाँ, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन आप उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि सभी लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए, शिक्षिका बनने के लिए आवेदन करने के बाद अपनी तैयारी जारी कर दी, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उसमें भी एक ही होता है कि हार्डवर्क होता है, दूसरा स्मार्ट वर्क होता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्या क्या ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जहां सबके परीक्षा में ज्यादा सवाल आएगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे बिंदु पढ़ने हैं, कहां कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितना कितना टॉपिक आपको तैयार करना है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। और यह वीडियो आप सभी के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता है अगर आपने अपनी तैयारी को इस तरह से पढ़ा जिस तरह से हम आपके लिए बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी फोकस करते हैं, इसके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां पर भी बात करते हैं कि हम किस आधार पर ये कह रहे हैं, किस आधार पर ये हम बात आपसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दो भाग हैं। अगर हम देखें तो आपका जो परीक्षा होनी है दो भागों में होनी है। अगर हम भाग एक की बात करें, जो भाग प्रथम है, भाग प्रथम में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। इनमें हिंदी में 75 सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से समझिएगा तथ्य को, यहाँ पर आपकी परीक्षा में 75 सवाल आएंगे और अंग्रेजी में 25, मतलब कुल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगी। इन 100 प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। और अगर प्रश्नों के अंक की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क जो है आपके लिए वो 30 है, माने 30 नंबर अगर आप यहाँ पर प्राप्त करते हैं 100 में तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, माने न्यूनतम 30, अधिकतम आप 100 अंक भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर हम आपको सलाह या सुझाव देंगे तो हम ये कहेंगे आप इस समय हिंदी अंग्रेजी ना पढ़ें। सबसे पहला काम, क्योंकि आप लोगों ने टेट सी टेट के समय पढ़ा होगा, बीटीसी बीएड के समय पढ़ा होगा, इसके अलावा अन्य तैयारी की बात करें तो उन सभी तैयारियों में आपने हिंदी को खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा। हिंदी और अंग्रेजी के आप कोशिश ये करिए, इसके प्रैक्टिस पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पूरा तैयारी थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए बीपीएससी लेवल के जो प्रश्न आते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए, माने इनके आप एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न होने हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हिंदी पर आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, हिंदी पर अपना समय नहीं लगाना है। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, क्योंकि यहाँ से स्कोर नहीं बनना है या आपके सिलेक्शन में इसके अंक भी नहीं जुड़ेंगे। इसलिए इस बात को पूरी तरह से ध्यान देना है कि आप सभी को हिंदी अंग्रेजी पर फोकस नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा व्यक्तिगत सलाह है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो टॉपिक आता है वो भाग दो। भाग दो की बात करें तो भाग दो जो है यहाँ पे जो पार्ट टू है, अगर हम आप इस बात की बात करें जहाँ पे जो भाग दो है, इससे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने निकल कर आती है। वो ये निकल कर आती है कि जो हमारा भाग दो है, जो आपका पार्ट टू है, इसमें है आपका जीएस, जीके और साथ ही साथ यहाँ पर विविध है, विविध के साथ बिहार है और फिर मैथ्स है, तर्क शक्ति है जिसे रजनी के नाम से जानते हैं, उसके बाद बिहार का ईवीएस है, क्योंकि यहाँ पे यह एससीईआरटी, ये जो पूरा पैटर्न है ये आपके एससीईआरटी पर है, यह पूरा पैटर्न किस पर है, एससीईआरटी पर है। अब आपको फोकस इस पे करना है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 120 नंबर के सवाल आएंगे। अब हम इसके नए पेज की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम ये बताएं इनमें भी क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि हाँ सर, अब हम अपनी तैयारी को आगे रखना चाहते हैं, अब अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर मैं प्राथमिक शिक्षक की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे पीआरटी की केवल बात करूँ, तो यहाँ पे पीआरटी पर आपने और हम लोगों ने एक बात एकदम साफ और स्पष्ट रूप से देख लिया कि यहाँ पर हम सभी को जो पहला काम है वो आपके सामने ये दिख रहा है कि जो पहला भाषा का पेपर होगा, इस भाषा के पेपर में आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर केवल 25 प्रश्न
जो होंगे अंग्रेजी से भाषा से होंगे और 75 प्रश्न जो होंगे हिंदी उर्दू बांग्ला में से। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं तो यह कुल प्रश्नों की संख्या यहां पर हो जाती है 100, और 100 प्रश्नों में से आपको 100 अंक निर्धारित हैं, लेकिन आप में इसमें नकारात्मक अंक नहीं है और इसमें 30% ही अंक लाना अनिवार्य है। मतलब आपको केवल 30 नंबर लाकर क्वालिफाई करना, मतलब आपको अपनी एनर्जी, क्योंकि आपकी वित्तीय परीक्षा में लगभग 40 दिन ही बचे हैं, तो इन 40 दिन में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेहतर तैयारी करें तो 40 दिन में आप अपने आप को बेहतर तैयार करने के लिए हम और आप पूरी तरह से इसका पूरा समीकरण बना लेते हैं। मैं क्या पढ़ना, इस पर आपको अपने प्रतिदिन के 2 घंटे यहां पर आपको देने हैं, और इन 2 घंटे में आप सभी को जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें, 2 घंटे में केवल इनको रिविजन करना है और बाकी अपना एनर्जी पढ़ने पर न लगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब आपके सामने आता है प्रश्न पत्र नंबर 2। अब हम प्रश्न पत्र नंबर 2 को पढ़ेंगे, यही आपके लिए निर्णायक है और यही आपके लिए सबसे अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। आप कहेंगे सर यह कैसे हो गया? जी हाँ, अगर बिहार में आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस तथ्य को खूब भली भांति रूप से आपको समझना होगा, भली भांति रूप से जानना होगा। यहाँ पे सामान्य प्रश्न पत्र नंबर जो 2 है इसे हम सामान्य धन के नाम से जानते हैं, हम इसे जीएस के नाम से जानते हैं, और ये पूरी जो परीक्षा है ना वो बीपीएससी करा रही है, और जब बीपीएससी कराएगी इसका लेवल आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है। लेकिन अगर हम बात करें 40 दिन में आपको पूरी तैयारी कंप्लीट करना है ताकि आप एक कुछ बचे हुए दिनों में फिर से रिविजन करके प्रैक्टिस सेट पूरा पूरा हो सके, तो यहाँ पर A1 ग्रेड का पेपर आएगा, और यहाँ पर पूरी बीपीएससी जो है वो एससीआईटी के भरोसे है। किसके भरोसे है? पूरी एससीआईटी के भरोसे ये पूरा पेपर कराया जाएगा। और जीएस में भी अब देखते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, गणित, और अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, मानसिक क्षमता, तो गणित और रीजनिंग मिलाकर पूरे पेपर में 25 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, 25 से 35 प्रश्न ऐसे हैं गणित के और आपके रीजनिंग के हैं। अगर हम गणित की बात करें, गणित में भी अब कहां कहां से प्रश्न आएंगे, तो गणित में कुछ रटे टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति हो गई, लाभ हानि बट्टा हो गया, और ये प्रमुख लाभ हानि बट्टा हो गया, ब्याज से सवाल आते हैं परीक्षाओं में, मेंसुरेशन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, और आपके लिए जो आपने देखा होगा सांख्यिकी का जो डायग्राफ होता है, ग्राफ देखा आपने, तो ग्राफ से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा बीपीएससी जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं इस तरह के सवालों को डिजाइन करते हैं, और इसमें चाल समय दूरी से सवाल पूछे जाते हैं, माने कुछ गिने गिनाए औसत से सवाल आते हैं, और एलसीएम एचसीएम से सवाल आते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूला से सवाल आते हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो गिने चुने सवाल ज्योमेट्री से आते हैं, खासकर आकृति जुड़ा सवाल आता है। माने गणित में मिलाकर हम बात करें तो केवल 10 से 12 टॉपिक आपको पढ़नी है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, गणित में 10 से 12 टॉपिक को पढ़ना है। वही बात रीजनिंग में करें तो आपको ब्लड रिलेशन से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, सीरीज से आएगा, और खाली स्थान को भरने के लिए आएगा, घड़ी से आ सकता है, पाथा से सवाल पूछा जा सकता है, कैलेंडर सवाल आ सकता है, रक्त संबंध से आ सकता है, दिशा परीक्षण से आ सकता है। माने ये ऐसे रटे रटे टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल एकदम श्योर पूछे जाएंगे। इन्हीं टॉपिक को पढ़ने, इसके अलावा जो टॉपिक जो एक्स्ट्रा है उस पर भी मैं आपको बता दूंगा, उन टॉपिकों को पढ़ना। मैं आपके लिए ये पूरी सीरीज जी हम 5 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, जी हाँ 5 से, और जहां पर हम आपके लिए अपनी निशुल्क क्लासेज भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर आप डेली की डेली अपनी तैयारी कर सकते हैं, और हम इन्हीं तथ्यों को पढ़ाएंगे जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस प्रश्न को सीरीज को ज्वाइन करना, तब इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, एक नंबर और भी है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 7398-3002। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से हैं, और जौनपुर में भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आगे जाकर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जीएस का, तो जीएस के जो प्रश्न है ना ये बहुत ही अहम निर्णायक होंगे, क्योंकि जीएस के जो प्रश्न है वो आपके 80 से 90 सवाल जो है वो जीएस के आएंगे। इसमें से अगर हम बात करें इस जीएस में भी बिहार स्पेशल जो सवाल है वो आपके कम से कम 14 से 18 सवाल जो होंगे वो बिहार से होंगे। जी हाँ, वो आपके बिहार से होंगे, जिसकी नोट्स आपको, जितने लोगों ने नोट्स मंगाए, जितने लोग घर पे नोट्स पहुंच चुका है उनको ये बाद में पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़े रहें ताकि आप सभी को जो अपडेटेड नोट्स है वो भी यहाँ से मिलती रहे। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी विषयों से मिलाकर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतिहास की बात करें, इतिहास से सवाल आते हैं। इतिहास में भी सबसे कुछ टॉपिक ऐसे, जैसे जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किसको केवल पन्ने पलटने हैं, तो कुछ को आपको खाली अपने दिमाग में रखना हमने ये पढ़ लिया, लेकिन कुछ को अच्छे से पढ़ना। इसमें भी अगर 1857 की क्रांति से देखा जाए, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक सबसे ज़्यादा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ना होगा। भारतीय संविधान से प्रश्न इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास,
प्राचीन इतिहास से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और बिहार के इतिहास को भी पढ़ना है जो आपके परीक्षा के लिए आम और इंपॉर्टेंट है, जो एससीआईटी की किताबों में, जो लर्निंग दुर्गेश के नोट्स में, पूरे इतिहास अपने आप में खुद ही महान है। इसमें से क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, अगर लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आपने देखे होंगे, आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो चाहे घर बैठे नोट्स मंगाओ, उन दोनों नोट्स एक ही अलग अलग कोई नोट्स नहीं होते, उन नोट्स में आपने देखा होगा कि पूरी तरह से पूरे इतिहास में सेलेक्टेड टॉपिक रखी गई है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, या जहां से आपके परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आता है। इतिहास में आपको उन टॉपिकों को पढ़ना है, बाकी जब हम क्लास लेंगे आपके लिए तो वहां पे हम ये बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, बाकी पर अपना समय नहीं गंवाना, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क से ज्यादा बेहतर स्मार्ट वर्क आपको करना है ताकि आप सिलेक्शन ले सके और आपकी नौकरी पक्की हो सके। इसलिए उतना ही पढ़िए जितने से आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इतिहास में हो गया, अगर इतिहास में भूगोल की बात करें तो भूगोल में सबसे ज्यादा सवाल, क्योंकि भूगोल के साथ अपने आप पर्यावरण जुड़ जाता है, भूगोल में पर्यावरण पढ़ना है और साथ ही बिहार का इतिहास में भी आपको ध्यान देना है, तो भूगोल में भारत के भूगोल से ज्यादा सवाल आते हैं। फिर हम बात करें विश्व भूगोल में नदी पर्वत पठार मैदान, इनसे ज्यादा सवाल आते हैं, और अगर हम बात करें महाद्वीपों से ज्यादा सवाल आते हैं, सौरमंडल से सवाल रटा रटा है, मान लीजिए फिक्स है यहाँ से सौरमंडल सवाल जरूर पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से सवाल 100% फिक्स है। तो अगर भारत की भूगोल की बात करें तो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, शॉर्ट में अगर देखा जाए तो उन तथ्यों को रखा गया है जहां से आपके परीक्षा में बीपीएससी से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, वो आपको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में एक ही जगह मिल जाएगा। जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे उन तथ्यों को पढ़ने का जहां से बार बार प्रश्न, क्योंकि देखिए आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं, इन्हीं में आपको अपना सिलेक्शन लेना है, इन्हीं में टॉपिक को घुमा घुमा कर पढ़ना है, इसलिए कोशिश ये करना है ऐसे तथ्य को पढ़े जहां से आपके परीक्षा में सवाल आ जाए। इन सभी की प्रैक्टिस भी करनी है, इनकी प्रैक्टिस के लिए भी लर्निंग विद दुर्गेश एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, जहां पर आपको 5 तारीख से पूरे दिन में क्लासेस मिलती रहेंगी पूरी प्रैक्टिस सेट की, जो व्याख्यात्मक हल के साथ होंगी ताकि आपको परीक्षा में अगर सवाल आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। दूसरी बात इतिहास की बात भूगोल में हो गया, भूगोल के बाद पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जो है ये पर्यावरण के सवाल के साथ साथ यहाँ पर बिहार का भी संस्कृति, बिहार के कल्चर, ये भी यहाँ पर जुड़े हैं और उसको भी आपको पूरा पढ़ना है, उसको भी यहाँ पर पूरा तैयार करना है। इसलिए जितने भी लोगों ने नोट्स ले लिया, जितने लोगों ने नहीं लिया, तो हम इसकी भी 2-3 क्लास स्पेशल लेंगे मैराथन के रूप में, जहां पर केवल बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे। जैसे अगर एक दिन संस्कृति कल्चर पढ़ लिया, एक दिन बिहार का सामान्य परिचय पढ़ लिया, फिर एक दिन हमने बिहार की कृषि पढ़ ली, फिर एक दिन बिहार का भूगोल पढ़ लिया, तो इस तरह बिहार का इतिहास, इस तरह 5 से 7 लेक्चर हम लेके कोशिश ये करेंगे कि 7 लेक्चर में आपके बिहार स्पेशल की विविध की सीरीज को पूरी तरह से खत्म और समाप्त कर दिया जाए, या पूरी तरह से पढ़कर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। दूसरी बात हम करते हैं सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान में अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान में आपको कंप्यूटर अपने आप आ जाता है, उसके साथ कंप्यूटर के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल आते हैं, तो यहाँ पे इन 2 तथ्यों को भी आपको पढ़ते चलना है, इस पर भी आपको पूरा पूरा फोकस करना है। उसके बाद समसामयिकी, तो समसामयिकी का जो सवाल है वो यहाँ पर कम से कम आपके 6 से 10 सवाल हैं जो करंट से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट कोई जिक्र नहीं, लेकिन बीपीएससी करा रही है तो 6 से 10 मान के चलता, हो सकता है ये आंकड़ा आपका 10 से 16 भी तक जा सकता है, ठीक है 10 से 16 तक भी जा सकता है, लेकिन कम से कम सवाल की करंट अफेयर पूरे सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जीएस जहां पे आता है वहां इसका अपने आप जुड़ाव हो जाता है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पूरा संविधान, पूरी संविधान आपको पढ़नी है, लेकिन संविधान अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, कुछ ऐसे टॉपिक संविधान के आपको पढ़ने हैं जहां सर की परीक्षा में प्रश्न आना एकदम श्योर है, तो हम ये कोशिश करेंगे आपके साथ, हम लाइव सेशन आपके लिए लेकर आएंगे और 5 तारीख से हम सेशन में जो पढ़ाई करेंगे, जो आपकी क्लास स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, डे बाय डे चलेगी, उसमें हम उन्हीं तथ्यों को संविधान में पढ़ेंगे जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं, अन्य चीजों को नहीं पढ़ेंगे जहां संविधान में सवाल नहीं आते। जैसे कि नागरिकता की बात करें तो नागरिकता से गिने चुने सवाल परीक्षा में आते हैं, तो हमें पूरी नागरिकता पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें, हम राष्ट्रपति उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो हम ये कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि जितने भी टॉपिक पढ़े वहां सबके परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें तथ्यों को ध्यान रखना है कि उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जहां से ज्यादा सवाल है, कि 45 दिन आपके लिए सिलेक्शन के और 45 दिनों में इस तरह से पढ़ना है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करें, लेकिन ज्यादा ज्यादा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी आपको फोकस करते रहना है। उसके बाद संविधान के बाद अब अर्थशास्त्र से भी सवाल आएगा, लेकिन यहाँ पे ये हिडन सिलेबस है, यहाँ पे अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र का जो सामान्य परिचय भारतीय अर्थव्यवस्था में वो पूरा आपको तैयार करना है। इसके लिए भी कम से कम हम 8 से 10 घंटे की क्लास मानते हैं, क्योंकि एक एक विषय की 8 से 10 घंटे की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं। इसलिए जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वो ये भली भांति जान लें कि जो पूरा सेशन है, पूरी जो सीरीज है, हम लोग एक एक विषय को अगर 10-10 घंटे में बांट के रखें तो हम टोटल इसे 10 विषयों में बांट कर रखते हैं, माने 100 घंटे में अगर हम थ्योरी की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जो है प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन की संभावना उतना ज्यादा हमारी बढ़ती जाती है। इसके बाद कुछ
कुछ हिडन सिलेबस है, जैसे विविध में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, बिहार स्पेशल में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो जब हम लोग क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे तब हम इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे, ऊपर चर्चा करेंगे। हो सकता है आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन करके पढ़ रहे हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है आप घर बैठे नोट से तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मन में आते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहला फोकस ये रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है उसको एक तरफ रख दीजिएगा, क्या पढ़ना है उस पर फोकस करना, स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। इसलिए हम आप सभी के लिए ऑनलाइन सीरीज लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इन सभी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर प्रत्येक क्लास की लिंक और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सभी नोट्स को वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। और यह पूरी सीरीज जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित होगी, इसलिए जितने भी साथी हैं चाहते हैं कि अब की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा हो वो पूरी तरह से एससीईआरटी को फोकस करें। और इन लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपके लिए बहुत ही अहम होंगे जो पूरी तरह से सिलेक्टेड टॉपिक पर आधारित है और उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। आप यकीन न हो नोट्स को एक बार सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा, जब भी प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे आपको लगेगा कि इस नोट से ही पेपर तैयार किया गया या पेपर से ही नोट्स बनाए गए, ये दोनों बातें आपके सामने आएंगी। सब कुछ सही रहा तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें हिडन टॉपिक है, अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी देखिए साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के सवाल के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे जहां तक बार बार सवाल आते हैं, तो नोट्स में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार हम इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो हम एक एक विषय की टॉपिक बता देंगे क्या क्या टॉपिक आपको कहां कहां से पढ़ना है, जीएस जीके की एक तरफ बना देंगे, रीजनिंग गणित एक में बना देंगे। तो इस पेपर सेकेंड को हम दो पार्ट में दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, तो मुझे भी लगेगा कि आप ये चाहते हैं हम इसके अलग अलग पार्ट की वीडियो बनाएं ताकि आप किसी के यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं से भी क्लास पढ़ रहे हो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक और टीचर होता है और ये अनुभव आपके पूरे काम आने वाला है और अनुभव के सहारे आप सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से इजिबल और दावेदार होंगे। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आप अपनी जान लगाने से बढ़िया उस जगह जान लगाइए जहां से आपको सिलेक्शन के संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हमें ज्यादा पढ़ने की जगह हमें सॉलिड चीजें पढ़नी है, कम पढ़कर आप सिलेक्शन के करीब आ जाए। इसलिए नोट्स आपके लिए अहम होती है, आप अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि लर्निंग विद दुर्गेश से बढ़िया आपका नोट्स नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया अब उनके पास समय नहीं है कि पूरी किताब में से कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक पढ़े, वो लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स घर बैठे मंगा सकते हैं जो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। मैं भी पढ़ता हूं, जब भी मुझे समय मिलता है लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मैं पढ़ता हूं। एज ए गेस्ट के रूप में मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी निःशुल्क क्लासेज आप तक पहुंचाता रहूंगा, मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित मेरा चित्त में मिलती है मिलती रहेंगी। आगे भी अगर आपका कोई फीडबैक कोई विचार बताइए, 5 तारीख से हम आपके लिए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तो आप बताइए फटाफट कमेंट करके कि हम 5 तारीख से 2 क्लासेज आपके लिए लेंगे। एक क्लास की टाइम होगी शाम के 7 बजे जो लाइव चलेगी और दूसरी हम लेंगे रात के 9 बजे। इन दोनों में 9 बजे हम जीएस की सीरीज लेंगे और 7 बजे हम मैथ की सीरीज लेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से किस टॉपिक शुरुआत सबसे पहले करना चाहते हैं, या हम दोनों में जीएस शुरू कर दें, या दोनों में हम केवल मैथ शुरू कर दें, या रीजनिंग भी शुरू कर दें। 2 क्लासेज हम आपको यहाँ पर देंगे, उसके अलावा ये दोनों क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर होंगी, साथ ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आप इसे लाइव देख पाएंगे और इसकी नोट जो है ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आपको उपलब्ध होती रहेंगी जितनी भी क्लासेज आप पढ़ेंगे। और फेसबुक पर भी लर्निंग विद दुर्गेश का जो फेसबुक पेज है उस पर भी वीडियो एक साथ लाइव आप देख पाएंगे। उससे भी बात लर्निंग विद दुर्गेश की एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, जहां पर इन सभी विषयों की प्रैक्टिस सेट माने बिहार स्पेशल जीएससी की जो सेकंड पेपर प्रश्न पत्र, क्योंकि आपको सिलेक्शन यहीं से मिलना है। सिलेक्शन कहां से मिलना है? सामान्य अध्ययन से मिलना है। 120 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इस पेपर में जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ध्यान समझिएगा, अगर आपने 80+ अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपको बिहार में शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। 120 में अगर आप 80+ हैं तो आप ये मानिए इस माइनस मार्किंग के साथ बीपीएससी की परीक्षा में पूरी तरह सेफ स्कोर होगा। कूट वाले सवाल पूछेंगे, इन कूट वाले सवालों की संख्या कम होगी, लेकिन हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे उसमें कूट वाले सवाल भी झोला भर भर के होंगे। इसलिए जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सुपर टेट विद दुर्गेश चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके इस वीडियो में बताएं कि आप 2 क्लासेज यहां होंगी और 2 क्लासेज आपके लिए, 2 क्लास आपके लिए अभी फिलहाल के लिए सुपर टेट विद दुर्गेश सर भी चलेगी और आगे भी हम क्लासेज को बढ़ाएंगे। ये फ्री क्लासेज हैं, जो ऑनलाइन क्लास जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए उनके लिए और भी क्लासेज होंगी। अब उन पर इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और ऐप पर जाएंगे तो आपको पूरी क्लासेज एक बार में सभी विषयों की मिल जाएगी जहां से आपको तैयारी करने में काफी आसान होगी। ये लाइव क्लासेज का टाइम है, इसके अलावा जो आप क्लास कहेंगे जो टाइमिंग कहेंगे उस पर भी मैं फोकस करूंगी। देखिए 7 बजे शुरू होंगे तो क्लासेज 8 तक चलेंगी, बीच में घंटा गैप चाहिए क्योंकि सेटिंग करना होता, फिर से लाइव आना होता, फिर 9 से लेकर 10-11 तक चलेंगे। क्लासेज मेरी बड़ी जो लंबी होंगी
थ्योरी की क्लासेस कहेंगे थ्योरी की, एमसीक्यू सीरीज कहेंगे एमसीक्यू की, जैसा आप कहेंगे हम उस तथ्यों पर फोकस करेंगे। लेकिन सुपर टेट विद दुर्गेश सर जो चैनल है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको रखना होगा, बेल आइकन दबा के रखना होगा, क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए क्लास प्रश्न और सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर करिएगा, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से लाइक करेगा, आप वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पर अलग टॉपिक वीडियो बनाए कमेंट करिएगा। 5 तारीख से हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप चाहे तो क्लास को आप ज्वाइन करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, साथ में नोट्स बना सकते हैं, घर बैठे भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका खुद का नोट्स है तो आप इन टॉपिकों को पढ़िएगा, बाकी हम विषय वार भी लाएंगे कि क्या क्या ही केवल आपको पढ़ने हैं, और कोशिश करेंगे कि माइंड मैप कॉन्सेप्ट पर आपको पढ़ाएं, माने हम उन विषयों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाएं जहां से आपके परीक्षा में सवाल ज्यादा आते हैं, माइंड मैप कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम बना बना के, ताकि आपको याद भी जल्दी हो और तथ्य भी समझ में भी ज्यादा आए। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद, आभार, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, और इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर भी सभी वीडियो लाइव क्लासेज आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का आभार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। शेयर जरूर करेगा वीडियो। बिहार में अभी की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा करना है, इन्हीं तथ्यों के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब बिहार में आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन की 100% गारंटी है। अगर आपने अपनी तैयारी को इस तरह से पढ़ा, अपनी तैयारी की पूरी डिजाइन करके आपने तैयारी किया, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। 80+ अगर आप स्कोर करते हैं, 85+ अगर आपका स्कोर है, तो आपको सिलेक्शन से कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है और आप जान ही रहे हैं आपकी जो मेहनत है वो आपके सिलेक्शन के कितनी करीब आपको लेकर जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न, कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल भी अपने पूछ सकते हैं। बाय बाय।